Hello students, so my channel Clear Your Doubt is going to help you in your preparation journey. If you are a NEET UG student, you can ask your question from physics only, and if you are a JEE mains or advanced student, you can ask your questions regarding physics as well as math, and just send take a picture of your doubt or your question that you cannot do and send it to my Telegram channel. Link for the Telegram channel is given in the description of each of my videos, and you can just simply click on it and join the group and send your question or picture of your question. Okay, for example, this question was asked by one of my students. Let's just do this question. Okay, so let me just read the question for you. A massless cord is wound around the circumference of the wheel, ठीक है, of radius r. The axis of wheel is horizontal and the moment of inertia about the center is i. So while reading this question, आपको ये imagine करना है, पहले पुराने जमाने में कुएं से पानी निकाला जाता था, right? तो let's just see, अगर ये axle मान लो यहाँ पे, तो imagine करो कि आपके हाथ से ये I don't know how to make it horizontal, इसको मान लेना, और इसके इधर से ये मास है, आप इसको बकेट इमेजिन कर सकते हो, एंड दूसरा एंड ये है, ठीक है? तो जैसे ही इसमें एक दो, बाय द वे, एक दो राउंड ये रस्सी घूमी रहती है जो एक्सेल होता है उसपे, और इधर आप मान लो पकड़े हो, ठीक है, और आपके हाथ से लेट से रस्सी छूट गई, तो रस्सी छूटेगी क्योंकि इसमें कई सारे राउंड हैं, तो आपको इमेजिन ऐसा नहीं करना है कि रस्सी छूटी और बकेट पानी में गिर गई, ऐसा नहीं है, कुएं में गिर गई ऐसा नहीं है, कई सारे राउंड होते हैं तो थोड़ा समय लगेगा पानी में गिरने से. तो मान लो जैसे छूटा उसके कुछ समय बाद ये बकेट जो है कितने हाइट गिरी नीचे, एच, ठीक है. तो आई हैव डन दिस एक्चुअली, तो यू नो इन माई विलेज दिस हैपन्स, यूज टू हैपन एक्चुअली, नॉट एनी मोर अपेरेंटली. एच हाइट नीचे गया बकेट, ठीक है. एक बात बताओ, लेट्स से जब बकेट यहाँ पे था, ठीक है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, बकेट का मास एम, मान लो जी एच, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, ठीक है. आप इसको ग्राउंड मान रहे हो, बकेट की फाइनल पोजीशन को मान सकते हो ग्राउंड, डोंट वरी अबाउट इट, एक किसी हाइट पे. बस ये सोचो कि अगर इसको ग्राउंड मान रहे हो तो इसके थोड़ा पहले द बकेट हैज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपने इसको पकड़ के रखा था और बकेट रेस्ट पे था, बकेट की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो. तो बकेट के पास कौन सी एनर्जी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाओगे तो पहले सोचो इनिशियल एनर्जी, और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑल्सो, सो लाइक दैट टू कम्प्लीट द सेंटेंस. ओके, सो इट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेसिकली, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप कन्वर्ट कर रहे होते कहीं और किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से, ठीक है. तो चलो करते हैं, तो जैसे ही रस्सी छूटेगी उसकी वजह से ये एक्सेल, ये जो व्हील है, इट इज फ्री टू रोटेट और ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो एम जी एच, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, मास को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देने में. मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्सेल को कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देने में, राइट. जो एक्सेल है, व्हील है, इसको क्या दे रहा है ये, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अदरवाइज व्हील भी रेस्ट पे था इनिशियली, जैसे ही ये मास को वेलोसिटी गेन हुआ तो एम जी एच लॉस हुआ, कुछ लॉस उसको काइनेटिक एनर्जी देने में हुआ, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वॉज यूज टू गिव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द एक्सेल और व्हील, ठीक है. तो आप, आपकी क्वेश्चन क्या बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हैं, ठीक है, आर ओमेगा का होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज ये जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी होगी, एक्सेल की रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी एट द एक्सिस पेरीफेरी पे आर ओमेगा, और वही वेलोसिटी से ये मास नीचे जा रहा होगा। सो दैट इज वाई वी आर एबल टू पुट वी इक्वल टू आर ओमेगा। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट बाय द वे, यू माइट थिंक वी इक्वल टू आर ओमेगा रट लो फॉर्मूला, बट क्यों, वाई वाई दिस वेलोसिटी इज आर ओमेगा, तो क्योंकि एक्सल पे जो रस्सी होगी, जो स्ट्रिंग होगी, उसकी भी वेलोसिटी आर ओमेगा ही होगी। अगर आर ओमेगा के टर्म्स में देखो तो जिस ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा एक्सेल, और एक्सेल का रेडियस आर है, तो आर ओमेगा, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर को आप आई लिख सकते हो, आई प्लस एक्चुअली क्या करना था, ओके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली नो, आई प्लस एम आर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, राइट, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट आई, हाउ कैन आई पुट इट, ओके, तो आप ध्यान देना, डोंट मेक दैट मिस्टेक दैट आई डिड, ठीक है, तो इट्स गुड दैट आई मेड दैट मिस्टेक, आई एम ग्लैड। तो ध्यान देना, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से आई दिया है, एम आर स्क्वायर इज जस्ट एम आर स्क्वायर सम वैल्यू, ठीक है। अब यहां से आप ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या था, एम जी एच, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, टू एम जी एच अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो विच ऑप्शन इज ट्रू, टू एम जी एच अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन, टू एम जी आई प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड या डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, यू आर हेल्प विद दिस वीडियो, सो हैव अ ग्रेट लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।